हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ड्रिंक क्लीन वाटर और लेट अस रिकॉल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स, ओके, जो कि पेज नंबर 45 में। जब आप ये वीडियो देखेंगे तो पेज नंबर 45 ओपन करके रखिएगा और ये साथ ही साथ फिल इन दी ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, By dash the dissolved substance is recovered but the solvent is lost. तो answer क्या होगा? Distillation, okay? Distillation, the dissolved substance is recovered by this but the solvent is lost. Next is, water is disinfected with very small quantity of dash that kills bacteria. अगर हम स्मॉल क्वांटिटी किसका डालते हैं, क्लोरीन का डालते हैं, तब हम बैक्टीरिया को किल कर देते हैं जो पानी में है और हम पानी को फिर पी सकते हैं। द इम्प्योरिटीज दैट गेट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सल्यूबल इम्प्योरिटीज। जो पानी में घुल जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सल्यूबल। और जो नहीं घुलता है उनको हम क्या कहते हैं? इनसल्यूबल, ठीक है। पोरिंग ऑफ क्लीन वाटर इंटू अनदर बीकर आफ्टर सेडिमेंटेशन इज कॉल्ड डिकेंटेशन, ओके। नेक्स्ट इज, ड्यूरिंग फिल्टरेशन द मड पार्टिकल्स दैट आर लेफ्ट बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर आर कॉल्ड रेसिड्यू। जो भी हम फिल्टरेशन के प्रोसेस में फिल्टर पेपर पे जो इकट्ठा होता है, जो भी इम्प्योरिटीज इकट्ठा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिड्यू। जो भी हम फिल्टर पेपर से छानते हैं, वाटर इम्प्योर लिक्विड डालते हैं, जो भी फिल्टर पेपर पे इकट्ठा होता है उसको क्या बोलते हैं? रेसिड्यू, ओके स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका फिल इन दी ब्लैंक्स जो कि पेज नंबर 45 में है। इसको आप लोग नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट है डिस्टिलेशन, सेकंड है क्लोरीन, थर्ड है सोल्यूबल, फोर्थ है डिकेंटेशन, फिफ्थ है रेसिड्यू, ठीक है। उसके बाद कुछ ट्रू और फॉल्स भी दिया हुआ है इसके नीचे, हम वो भी देख लेते हैं बेटा। अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, आंसर इज ट्रू, क्योंकि अर्थ को ब्लू प्लैनेट ही कहा जाता है, क्योंकि अर्थ का आधा से ज़्यादा हिस्सा पानी है। अनक्लीन और इम्प्योर वाटर कैन मेक अ सिक, यस ट्रू, ये भी हमको बीमार कर देता है। जो अनक्लीन पानी है वो हमें बीमार कर देता है। द हेवियर सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द वाटर दैट सेटल डाउन ऑन द बॉटम ऑफ द बीकर इज कॉल्ड रेसिड्यू, फॉल्स। उसको हम लोग सेडिमेंटेशन प्रोसेस बोलते हैं, जो जिसमें रेसिड्यू जो इम्प्योरिटी से नीचे इकट्ठा हो जाती है उसको रेसिड्यू बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। इन द फिल्टरेशन प्रोसेस वाटर कैन बी रिकवर्ड बाय द कलेक्टिंग ऑफ वाटर वेपर एंड कूलिंग देम, फॉल्स। जो वो प्रोसेस को डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलते हैं, जिसमें जो भी प्योर वाटर्स है कूल होने के बाद डिस्टिल्ड वाटर इकट्ठा होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिस्टिलेशन। जब हम डिस्टिलेशन प्रोसेस करते हैं, इम्प्योर लिक्विड को नीचे से बर्नर से जब वो वाष्प बनता है, वेपर बनता है, और दूसरे बीकर से कनेक्ट कर देते हैं, और वो बीकर जब ठंडा होता है, जो ठंडा होने के बाद जो पानी बनता है वो ही है डिस्टिल वाटर। इस प्रोसेस को डिस्टिलेशन बोलते हैं, ना कि फिल्टरेशन, ओके। नेक्स्ट इज, बॉइलिंग ऑफ वाटर डज नॉट किल जर्म्स, फॉल्स। बॉइलिंग ऑफ वाटर से सारे जर्म्स किल हो जाते हैं। सो फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ फॉल्स, फिफ्थ फॉल्स। ये रहा आपका ट्रू और फॉल्स। इसको भी आप अपनी बुक में नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए आप लोग इतना काम पूरा करते रहिएगा, ओके स्टूडेंट्स। अब चैप्टर को रीड भी करिएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, क्लोरीनाइजेशन, क्लोरीन ऐड करके वाटर डिसइनफेक्ट, जो वाटर होता है उसको कैसे दूर किया जाता है और उसको पीने युक्त बनाया जाता है, जो भी बैक्टीरिया होता है उसमें क्लोरीन की मात्रा ऐड करके उसको दूर किया जाता है। ये सारे चीज़ आप रीड भी करेंगे। लास्ट टॉपिक था ड्रिंक क्लीन वाटर, जो भी पीने युक्त पानी उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, हम उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है वो भी आप लोगों को मैंने कई बार समझाया, उसको भी आप रीड करेंगे।
और सारी एक्सरसाइज को नोट डाउन करेंगे पेज नंबर 45 में. ओके.